प्यारे दोस्तों, आओ देखिए देश दे किसान की चौंदे ने सरकार द्वारा 1500 रुपए महीना हमको किसान पेंशन दी जा रही है और 6000 रुपया सालाना सम्मान निधि दी जा रही है और सरकार द्वारा हमारी मिट्टी की निशुल्क जांच की जा रही है जिससे हमारी मिट्टी में ताकत आई है। भैया, कौन सी सरकार की आप बात करो जो किसानों की मदद में काम करती है? यह मोदी सरकार है जो किसानों के हित में ही काम करती है। ये पपीता हमने लगाया, देखो पूरे खेतों में पूरे पपीता लगाया, ये पूरे पपीते सरकारी मदद से मिले। मेरा नाम यशवंत सिंह है, मैं गांव ढोल का रहने वाला हूँ। मुझे गैस सिलेंडर और किसान निधि से जो पैसा आता है वो मिलता रहता है, इसलिए मेरा वोट बीजेपी के लिए। क्योंकि पहले जो 60 साल रही सरकार, उसने कितना किसानों के हित में सोचा, कितना जो है किसान के लिए उन्होंने क्या किया। जब से मोदी सरकार आई है, कम से कम हमारे खाते में 10,000 रुपये तो आया है, जो हमारा मतलब खाद बीज का काम चल रहा है। मैं मध्य प्रदेश से एक ग्वालियर का एक किसान हूँ। वर्तमान सरकार ने ही किसानों के सम्मान के बारे में सोचा है, किसान सम्मान निधि के रूप में प्रति वर्ष हमको 6,000 खाद बीज न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी की चिंता वर्तमान जो सरकार है उसने की। इसलिए आप सबसे आग्रह है, एक ऐसी सरकार को चुनें जो हम किसानों का ध्यान रखें, चिंता करें। चंबा से एक लघु इश्क बोल रहा हूँ। मोदी सरकार ने जो ये किसानों को 2,000 प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि दी है, उसका किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता था कि हमारे पास सोयाबीन बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो इससे हम जो है अपनी ज़रूरतों के अनुसार बीज जो खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार ओलावृष्टि होने के कारण जो है हमारे फसल बर्बाद हो जाती थी, उसके लिए मोदी सरकार ने जो है वो किसान फसल बीमा योजना जो है वो शुरू की है, उसका भी हमें लाभ मिल रहा है। मैं एक किसान हूँ, मेरा वोट भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि किसानों की सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी के कारण ही हमें मिली है। राम गोतियार जी अभनपुर से, मैं यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद देवा था श्री नरेंद्र मोदी जी ला, जिनमें आज गरीब आदमी मान ला और छोटे मोटे किसान मान ला इतना सेवा देवा थे, 2,000 सम्मान निधि के हिसाब से देवा थे, भूमिहीन है वहू मान ला पैसा देवा थे। और जो हमार सबसे बड़ी बात तो ये ऐसे कि अभी महतारी वंदन के जो संस्था चलावा थी वो बहुत अच्छा काम करी, इसकी आज हमार बेटी दाई दीदी मान ला सबके खाता में 1,000 रुपया आवत जा। 2014 के बाद से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, तब से सरकार ने किसानों के हित में कई योजनाएं चालू की है। उस योजनाओं के अंतर्गत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड जो चालू किया है, उसमें हमें बगैर ऋण ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया है। उसका लाभ हम हमारी खेती के उपयोग में कर रहे हैं, इससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इस सरकारी योजनाओं के अंतर्गत दूसरी योजना है हमारे किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि जो चालू की है, इससे हर वर्ष 3 किस्त में हमारे खाते में पैसा आ रहा है, उसका लाभ हमें पूर्ण रूप से मिल रहा है। राम राम भाई, राम राम भाई। मैं सु हरियाणा का किसान, अरे भाई मारी तो कर रखी है सरकार ने मौज, मारी इस किसान ने सम्मान राशि दे दे है 6,000 रुपये मेरे खाते में। आज तो पहले भाई किस सरकार ने सम्मान राशि नहीं दी। अरे भाई बाजरा बेचा था, बाजरा के पैसे 7-7 जो भावांतर के थे मेरे खाते में आ गए। अरे भाई 5,00,000 रुपया करवा दिया मेरा बीमा, कि तभी मेरे भगवान की दया था, मेरे मेरे परिवार का कोई बीमारी हो जाए तो हम सुरक्षित से आज के दिन, चाहे गोज में 5 रुपये हो ना हो, आयुष्मान कार्ड दें हम अपना इलाज कर सका। अरे भाई विदेश में तो हम जानो जो सारा भारत भारत हो रही है। अरे भाई मैं तो बीजेपी ने समर्थन कर रही हूँ। राम राम भाई, राम राम। मेरा नाम अरविंद निषाद, छोटा किसान, उत्तर प्रदेश जिला गोंडा, गांव बोड़ीनपुरवा। मेरे परिवार के सभी लोग खेती करते हैं। मोदी सरकार किसान सम्मान निधि योजना हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुई है। जब से खेत की मिट्टी का परीक्षण शुरू हुआ है, खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ी है, खर्चा कम हुआ है, पैदावार ज़्यादा हुई है। जो मोदी सरकार ने किया है वह और कोई सरकार नहीं कर पाई है। मेरा वोट मोदी को।
भाजपा चाहते ने देश के किसान, देश का किसान भाजपा के नाल।